कि यहाँ पे फिनिशिंग का काम, जो पुलिया बन रहा है तो उसका फिनिशिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, और ऊपर अभी शटरिंग खुला नहीं है। जैसा कि आपको बता दें, ऊपर अभी शटरिंग जब पक जाएगा तो अच्छे से, तो इसको शटरिंग खुला जाएगा तो इस पे पानी जो बोरिया होता है तो उसके माध्यम से इसको प्रकार के, देखिए यहाँ पर गिट्टी काफ़ी मात्रा में आके रखा गया है, इकट्ठा हुआ है। ये रेलवे ट्रैक जब लगेगा तो उसके ऊपर गिट्टी लगेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को बता दें, इस समय हम हैं खड़े नाथूपुर क्रॉसिंग के पास। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये पीछे नाथूपुर रेलवे क्रॉसिंग है, उसी के पास से यह जो बाईपास, रेलवे बाईपास है, जौनपुर सिटी से जौनपुर जंक्शन जो जोड़ा जा रहा है लाइन, तो यही पीछे आपको दिख रहा होगा, यही बाईपास लाइन है। तो हमारी इस अपडेट में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ से बाईपास लाइन शुरू हुआ है जौनपुर सिटी से जौनपुर जंक्शन जाने के लिए, रेलवे ट्रैक जो नया बन रहा है। क्या आपको बता दें, यहीं से देखिए, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, जो बाईपास लाइन है यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। और नीचे आपको दिख रहा होगा जाली लगा हुआ है, लोहे की काफ़ी मोटी जाली लगी हुई है, और यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। ये जौनपुर जंक्शन को जोड़ेगा लाइन, और सामने देखिए दिख रहा होगा जेसीबी लगी हुई है, मिट्टी को समतल कर रही है, ट्रैक्टर भी लगा हुआ है। और किस प्रकार का यहाँ पे जौनपुर सिटी जाने के लिए लाइन आपको दिख रहा होगा, जौनपुर सिटी ये लाइन जाती है और इधर चली जाती है जफराबाद चली जाती है, और ये लाइन चली जाती है जौनपुर सिटी, डबल लाइन है जैसा कि आपको बता दें। तो इसको भी डबल लाइन किया जा रहा है जौनपुर जंक्शन जाने के लिए, जौनपुर सिटी जौनपुर जंक्शन जाने के लिए। चलिए हमारे अपडेट बने रहिए, हम आगे चल के दिखाते हैं काय क्या क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर और क्या क्या अपडेट है नया। तो चलिए बने रहिए हमारे अपडेट में, दिखाते हैं किस प्रकार का अपडेट। और यहाँ पे देखिए काम करने के लिए लगे हुए हैं, और चलिए आगे चल के दिखाते हैं क्या अपडेट हुआ है। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो अपना प्यार सपोर्ट बनाइएगा हमारे इस अपडेट में आप सभी लोग। क्या आप सभी को बता दें कि वो बाईपास जो लाइन है रेलवे का, जौनपुर सिटी से जौनपुर जंक्शन को जोड़ने वाला, तो यहाँ पे काम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। आपको दिख रहा होगा सामने जेसीबी है, और बगल में जो ट्रेन जा रही है वो चले जाएगी सिटी स्टेशन, वो जा रही है ट्रेन सिटी स्टेशन, जफराबाद की ओर से आई है और सिटी स्टेशन जा रही है। और ये देखिए कुछ प्रकार के यहाँ पे बाएं कट जाता है ये बाईपास जो है, और सामने आपको पिलर देख लो, पिलर बन के तैयार हो गया है, और नीचे से गाड़ी जाएगी, ऊपर से ट्रेन जाएगी जैसा कि आपको बता दें। और चलिए अभी हम आगे चलते देखते हैं, सामने भट्टा है, भट्टा को तोड़ दिया जाएगा। और जैसा कि आपको बताते हैं कि अभी हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं जो बाईपास लाइन कहाँ से फिर शुरू हुआ है। यहाँ पे तो अभी रुका हुआ है, यहाँ तक आ गया है वहाँ से, और आगे काम क्या चल रहा है, चलिए बने रहिए हमारी इस अपडेट में, दिखाते हैं आगे का व्यू। कार के देखिए बीच में जो नाथूपुर चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग थोड़ा आगे आएंगे तो एक पिलर कुछ प्रकार के यहाँ तैयार किया गया है, रोड है मतलब नीचे से जाने के लिए रोड है जाएगी, और ऊपर से ट्रेन जाएगी, और कुछ प्रकार के यहाँ पे पिलर बन के तैयार हुआ है। और चलिए दिखाते हैं आपको पूरा व्यू, पूरा अपडेट। मोटी मोटी जाली दिख रही है सामने, ये रेलवे ट्रैक के नीचे एकदम मट्टी के एकदम नीचे लगता है। अभी हम आपको दिखाए थे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट हुआ है तो उसकी सबसे नीचे ये लगता है जाली, मोटी मोटी जाली है जैसा कि आप बताते हैं, उसके नीचे ये लगता है, उसके ऊपर मट्टी, फिर उसके ऊपर रेलवे ट्रैक, काफ़ी मजबूती के साथ मतलब ट्रैक तैयार होता है। ये मोटी मोटी जालियां हैं, सभी को बता दें पिछले वीडियो में जो हम नाथूपुर वाला बनाए थे बाईपास का वीडियो, तो पिलर यहाँ पे बन रहा था, तो वर्तमान समय में पिलर बन के तैयार हो गया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और यहीं से सीधे चला जाता है, देखिए सीधे गया कुछ प्रकार का, अभी वहाँ चलते हैं, काम चल रहा है वहाँ पर, तो बने रहिए हमारे अपडेट में, दिखाते हैं पूरा वीडियो। क्या आप सभी को बताते हैं यहाँ पे जाली बिछा दी गई है, आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर मिट्टी रेती और महीन जो गिट्टी है उसको बिछाया जा रहा है, इसको समतल किया जा रहा है कुछ प्रकार का, देखिए यहाँ पर बिछाया जा रहा है। और सामने गिट्टी लगी हुई है, हम आपको बता दें वहाँ पे कार्य हो रहा है, जूम करके दिखा रहे हैं वहाँ पर, और साइड साइड में गिट्टी का इकट्ठा किया जा रहा है, गिट्टी यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है। और देखिए गाटर
जब हम आपको वीडियो दिखाए थे तो गाटर काफ़ी नीचे था, वो अभी ऊपर हो गया है। मतलब काफ़ी संख्या में गाटर अभी रखा हुआ है, इसका कार्य शुरू होगा जल्द। पहले इसको मिट्टी समतल होगा, मिट्टी को पूरा किया जाएगा। तो चलिए अभी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं यहाँ का अपडेट, क्या कार्य हो रहा है, क्या क्या होना बाकी है और कहाँ तक ये जाके ये अंत हुआ है, कहाँ तक इसका पूरा हुआ है कार्य। प्रकार के देखिए यहाँ पर गिट्टी काफ़ी मात्रा में आके रखा गया है, इकट्ठा हुआ है। ये रेलवे ट्रैक जब लगेगा तो उसके ऊपर गिट्टी लगेगा साइड साइड में, बगल बगल में। तो चलिए आगे अपडेट बने रहिए हमारे, दिखाते हैं पूरा व्यू क्या क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर। नाथूपुर से जो जौनपुर जंक्शन की बाईपास लाइन रेलवे का चल रहा है तो उसका अपडेट दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप सभी बता दें, देखिए इस समय हम नाथूपुर से जो जौनपुर जंक्शन की जो बाईपास लाइन है उस पर हम चल रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको अपडेट यहाँ का कि क्या क्या कार्य हो रहा है। तो देखिए काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है रेलवे ट्रैक का, और काफ़ी हर्ष की बात है कि बाईपास लाइन कार्य काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। और अभी हमने कुछ सूचना मिली है, भाई साहब बताएं कि बसीरपुर तक रेलवे ट्रैक का बीच का मतलब कि जो जौनपुर जंक्शन से जौनपुर नाथूपुर जंक्शन तक का जो रेलवे ट्रैक जो नया बिछ रहा है और जौनपुर सिटी से डायरेक्ट जोड़ रहा है, तो उसका अपडेट देने जा रहे हैं। अपडेट देने के लिए आ गए हैं और लगन दिख रहा होगा इधर साइड में लीलगा भी है, लीलगा काफ़ी संख्या में यहाँ पर गर्मी के लोग परेशान हैं, लोग हवा भी लेने के लिए जंगलों से निकल के आते हैं। देखिए बगल का जो लाइन है जंक्शन का लाइन है और जो उधर है वो जो सिटी का लाइन है, जफराबाद है जंक्शन का सिटी का लाइन है। यहाँ तक आगे देखिए वहाँ पर फोटोशूट लोग कर रहे हैं बहुत से भाई लोग, जो है हम देखते हैं कैसे बनाते हैं वहाँ का रास्ता है कि नहीं है, वहाँ के जायजा लेते हैं, पता करते हैं क्या कार्य हो रहा है। चलिए हमारे अपडेट में कि आप सभी बता दें इस समय हम बसीरपुर गांव के पास हैं और बगल में जो बाईपास जो लाइन है ये ऊपर से जा रहा है, उसके बगल में अभी हम हैं, बगल से रास्ता कुछ प्रकार का बना हुआ है तो मिट्टी तो काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रयास करते हैं आगे जो पुलिया एक बन रहा है तो उसका हम व्यू दिखाते हैं, उसका अपडेट दिखाते हैं किस प्रकार के पुलिया मजबूती के साथ बन रहा है। क्योंकि बगल में एक पुलिया तो बना ही है जफराबाद जंक्शन जाने के लिए, जो आगे पुल है गोमती नदी का ब्रिज है, गोमती नदी का पुल है तो उसके आगे यह पड़ता है छोटा सा पुलिया, तो इसको डबल करने के लिए कुछ प्रकार का यहाँ पे पुलिया मजबूती के साथ बनाया जा रहा है। और कुछ प्रकार के यहाँ पे बगल में गांव है तो पैदल के माध्यम से वहाँ जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी नीचे जा नहीं सकती, तो अभी हमने गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर दिया है इस बाईपास लाइन पर जहाँ पर अभी बाईपास लाइन का निकला हुआ है। और देखिए इस प्रकार का यहाँ पर काम हो रहा है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। चलिए हमारे अपडेट बने रहिए, दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू। इस प्रकार का यहाँ पर पुलिया बनाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए नीचे अभी आधी ढलैया हुई है और ऊपर मोटा मोटा छड़, काफ़ी मोटा मोटा छड़ लगाया गया है ताकि मजबूती बनाए ये पुलिया। ये आगे मात्र 200 मीटर पे गोमती नदी है तो उसके पहले यह उसका सीन है, उसके पहले का यह दृश्य है। अभी हम गोमती नदी के पास जो वसीरपुर जो गाटर है उसके पास अभी हम जाएंगे, वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे। तो अभी उसके पहले का हम जो रास्ते में पड़ा है जो
बाईपास लाइन के जो रास्ते में पड़ा है, तो उसका हम व्यू दिखा रहे हैं, वहाँ का हम अपडेट दिखा रहे हैं। तो चलिए इस अपडेट में बने रहिए, आगे चल के दिखाते हैं क्या क्या कार्य हो रहा है। तो आगे मिस्त्री लोग लगे हुए, देखते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे अपडेट में, इस प्रकार का देखिए। अगर देखिए यहाँ पर तैयार होता हुआ पुलिया मजबूती के साथ, और काफ़ी गहरा, काफ़ी मतलब बहुत अंदर तक ने खोदा गया है, तो बहुत ही मजबूत बनेगा। देखिए ये मोटा मोटा छड़ उसमें लग रहा है, आपको दिख रहा होगा ये मोटे मोटे छड़ उसमें लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शटरिंग लगा हुआ है, और नीचे देखिए यहाँ पर तैयार हो गया है, ये इसी तरह तैयार होगा बगल में भी, पूरा वहाँ तक पूरा तैयार होगा। जैसे यहाँ पर पूरा देखिए पुलिया तैयार हुआ है ना, वहाँ पर तैयार होगा। तो लगे हुए हैं कार्य में, काफ़ी ज़ोरों से कार्य चल रहा है बाईपास लाइन का। और आगे जिस प्रकार का देख रहे हैं कि पुलिया बना हुआ है, तो वही पुलिया यहाँ पे भी बनेगा। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ तक जो बाईपास लाइन का जो एरिया है, जो बाईपास लाइन जो बिछ रहा है, मतलब जो लाइन बन रहा है जौनपुर सिटी से जौनपुर जंक्शन तक, यहाँ पे आके कार्य रुक चुका है। क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रकार का देखिए ये पुलिया है, तो यही इसी तरह का पुलिया यहाँ पे भी बनाया जा रहा है मजबूती के साथ, यहाँ पे भी पुलिया बनाया जा रहा है। और आगे देखिए आगे खनाई खुदाई चालू है बगल में केबिल के लिए, आगे अभी कार्य शुरू करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे फिनिशिंग का काम, जो पुलिया बन रहा है तो उसका फिनिशिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, और ऊपर अभी शटरिंग खुला नहीं है। जैसा कि आपको बता दें ऊपर अभी शटरिंग जब पक जाएगा तो अच्छे से, तो इसको शटरिंग खुला जाएगा, तो इस पर पानी जो बोरिया होता है तो उसके माध्यम से इसको तरी किया जाएगा, ताकि मजबूती के साथ बना रहे। जैसे पिलर को मजबूती के लिए बोरिए से उसको पानी से उसको ढका जाता है, उसमें लगाया जाता है, तो उसकी मजबूती बनी रहती है। तो किस प्रकार का अभी फिनिशिंग चल रहा है, अभी जहाँ जहाँ वहाँ पर सही से ढलैया नहीं हुआ तो वहाँ पर फिनिशिंग कर रहे हैं भाई साहब लोग। इन लोग ज्ञानपुर भदोही के पास से हैं, जो मतलब यूपी से ही हैं लोग, तो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जो खुदाई का कार्य है यहाँ पे अभी चल रहा है। इस समय हम बसीरपुर गांव के पास हैं, और कार्य काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। तो आप सभी का एक अपडेट की मांग थी, तो अपडेट देने के लिए हम आ गए हैं बाईपास लाइन का। देखिए यहाँ पर केबिल की खुदाई चलेगी, यहाँ पे केबिल देखिए काफ़ी गहरा खाना गया है केबिल के लिए, अभी यहाँ पे शुरू हो जाएगा, वहाँ तक आके रुक चुका है कार, फिर उसके आगे शुरू किया जाएगा। और जो लाइन अभी जाती जो जाएगी वो जाएगी जफराबाद, आगे गोमती नदी है, 500 मीटर पर ब्रिज है, जैसा कि बताऊँ वहाँ पे लिखा गया है 500 मीटर पे आज गोमती नदी का ब्रिज है। तो अभी हम वहाँ चल के दिखाते हैं, बाइक तो यहाँ से जा नहीं पाएगी, हम आगे चल के दिखाते हैं बसीरपुर गांव के पास से कि क्या क्या वहाँ पर बन रहा है। चलिए बने रहिए हमारे अपडेट में, दिखाते हैं पूरा अपडेट आज का, नाथूपुर से जौनपुर जंक्शन तक का बाईपास रेलवे लाइन का। बताते हैं यह जो बाईपास लाइन है जो नाथूपुर से यहाँ जौनपुर जंक्शन को जोड़ रहा है, तो यहाँ तक आके रुक चुका है, और ये जो लाइन है ये चला जाता है जफराबाद स्टेशन पे, जो कि सिंगल लाइन है। तो डबल लाइन जोड़ने का कार्य जौनपुर सिटी से जौनपुर जंक्शन तक का किया जा रहा है फिलहाल के लिए। अभी जफराबाद जंक्शन से जौनपुर जंक्शन के लिए अभी कोई डबल लाइन का कार्य नहीं शुरू हुआ है, तो फिलहाल के लिए नाथूपुर से जौनपुर जंक्शन के लिए जो डबल लाइन का जो कार्य है तो उसको किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके बगल में जस्ट पटरी बिछेगी, और ये चला जाता है सिपा रास्ता, चाचकपुर होते हुए सिपा चला जाता है जौनपुर जंक्शन ये लाइन। अभी हम चलते हैं आगे, काफ़ी 500 मीटर पे है, तो अभी हम आगे गांव के माध्यम से जाएंगे बसीरपुर गांव के पास गाटर के पास, वहाँ दिखाते हैं व्यू क्या चल रहा है कार्य। चलिए हमारे अपडेट बने रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए अपने भाई पर। क्या सभी को बताते हैं, इस समय हम बसीरपुर के पास है गोमती नदी जो ब्रिज है उसके पास हैं, हम आपको दिख रहा होगा सामने गोमती नदी का ब्रिज है, तो उसके पास हम हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से ही डबल लाइन जाएगा, अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं, कोई अपडेट नहीं है, यहाँ पे कोई अभी नया कुछ बना नहीं है। जो सामने जो छोटा आपको दिख रहा होगा ईंटे से जो छोटा सा
घर टाइप का है, इसको गिरा दिया जाएगा पूरी तरह से, इसको गिरा दिया जाएगा। और सामने आपको दिख रहा होगा खुदाई का कार्य चल रहा है, जहाँ पर केबल का कार्य किया जाएगा, केबल लगाया जाएगा जैसा कि आप बताते हैं। और ईटा साइड में बीच गया है, और जैसा कि अभी हम आपको कुछ बताए थे कि वहाँ तक जो डबल जो कार्य है, जो बाईपास का लाइन है, वहाँ तक अभी मिट्टी गिरा दिया गया है, तो उसके आगे केबल का कार्य चल रहा है, बगल में केबल का कार्य चल रहा है, तो इसीलिए कार्य को रोका गया है। तो यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं काफ़ी ज़ोरों से। और किस प्रकार का यहाँ पे देखिए व्यू है बसीरपुर गांव के पास का। अभी हम साधन के माध्यम से उधर सड़क से आए जमे थे गांव होते हुए, और सामने गोमती नदी का पुल, और इधर चला जाता है दीवानी कचहरी की ओर, और इधर जो रास्ता चला जाता है जमैथा की ओर, जैसा कि आप बता दें। और इसको बता दें कि पेंटिंग किया गया है, जैसा कि बादल को दिखा रहे हैं आपको हम, जैसा कि आपको बता दें जो रेलिंग है उसको पेंट किया गया है, कुछ दिन पहले इसको पेंट किया गया था, तो नया इसको किया गया है, काफ़ी इसमें मूर्छा लग गया था, इसको नया किया गया है। तो चलिए, किस प्रकार का यहाँ पे आज का अपडेट था, तो हमारे इस अपडेट में बने रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और नेक्स्ट अपडेट में हम आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे, जो जौनपुर सिटी से जौनपुर जंक्शन का जो बाईपास लाइन का कार्य है उसको किया जा रहा है, तो उसका अपडेट हम पूरा दिखाएंगे। जैसा कि आपको बताते हैं, देखिए जो केबल का जो लगाया जाता है, तो साइड साइड में उसको खोदा जा रहा है, काफ़ी गहरा है। कितने फीट गहरा खोदा जा रहा है? एक फीट नीचे गहराई किया जा रहा है केबल के लिए ना? अच्छा, वहाँ तक किया जा रहा है। तो आप लोग कहाँ से हैं भाई? झांसी। आपसे आप कहाँ से हैं? उधरी से, झांसी से। जैसा बताते हैं, लोग झांसी से हैं भाई साहब, लोग काम कर रहे हैं, दिन का जो टाइमिंग है वो पूरा हो चुका है। कितने बजे से काम करते हैं भैया? 7 बजे से, 7 से 5, जैसा कि टाइमिंग का है 7 से 5। तो काफ़ी मेहनत के साथ ये अपने परिवार के लिए परिश्रम कर रहे हैं, इसे ट्रैक को जो रेलवे बाईपास लाइन का कार्य है उसको बनाने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनका परिवार खुशहाल रहे, अच्छा रहे, हमारी यही कामना है। और कुछ प्रकार का यह अपडेट था बाईपास लाइन का, जो नाथूपुर रेलवे क्रॉसिंग से शुरू होता है, जौनपुर जंक्शन पर जाके यह मिलता है, मतलब डबल लाइन इसको बोलते हैं, डबल लाइन इसको किया जा रहा है। तो नया अपडेट था, चलिए इस अपडेट को हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट अपडेट हम आपको दिखाएंगे यहाँ का जो आगे का जो कार्य होगा, तो उसका हम अपडेट आपको दिखाएंगे। जैसा कि आपको बताते हैं, काफ़ी गहराई में इसको खोदा जा रहा है, जो गड्ढा है ने जिसको बोलते हैं तार के लिए, इसमें तार बिछेगा, केबल बिछेगा, तो उसके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो गोमती नदी का जो बोर्ड है, यहाँ तक अभी इसको खोदा गया है, यहाँ तक अभी कार्य यहाँ तक केबल का किया गया है खुदाई का, तो गोमती नदी का बोर्ड है, और पीछे हमारे जो है गोमती नदी वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, गोमती नदी के बीच स्टार्ट हो जाता है। और बगल में देखिए कुछ प्रकार का ईंटा रखा हुआ है, और मजदूर लोग का जो कार्य है, जो समय का कार्य है, वो कार्य पूरा हो चुका है आज का। 5 बजे का तक इनका कार्य रहता है, सुबह 7 बजे से कार्य करते हैं, शाम को 5 बजे तक। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है, हमारे जौनपुर में बाईपास लाइन बन रहा है, तो गर्व की बात है हम सभी जौनपुर वासियों को कि डबल लाइन देखने को मिलेगा आज के 4-5 महीने बाद, डबल लाइन का कार्य शुरू हो जाएगा, मतलब डबल लाइन का जो कार्य है पूरा हो जाएगा, तो इस पर ट्रेन दौड़ना चालू हो जाएगा। चलिए, वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं, अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। तो दोस्तों, आशा करते होंगे आज का यह हमारा अपडेट नाथूपुर जो रेलवे क्रॉसिंग से जौनपुर जंक्शन का जो डबल लाइन का कार्य है वो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए जय हिंद।